वृद्ध महिला के एटीएम से 87,000 रुपए निकालकर एक व्यक्ति रफू चक्कर हो गया है। महिला ठगी का शिकार हो चुकी है, इसका पता उसे तब चला जब उसे मालूम हुआ कि उसके खाते में इतने पैसे निकाले जा चुके हैं। इस मामले को लेकर महिला ने ज्वालाजी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने भी 420 धारा के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मनोहर लाल चौधरी ने बताया कि ये मामला ज्वालाजी के साथ लगते गुम्बर क्षेत्र की एक वृद्ध महिला के साथ पेश आया है। बताया जा रहा है कि महिला ने एक कमरा किराए पर एक व्यक्ति को दिया हुआ था जो उनके घर में नौकर का काम करता था। महिला का कहना है कि हमीरपुर के एक व्यक्ति को ये कमरा किराए पे दिया गया था और वह 2-3 महीने से ज्वालाजी में रह रहा था। महिला का कहना है कि इस बीच उनका पूरा विश्वास इस व्यक्ति ने जीत लिया था और कई छोटे बड़े काम आए दिन करता रहता था। उक्त महिला ने यह भी जानकारी दी है कि इस व्यक्ति ने कई बार एटीएम से पैसे निकालकर मुझे भी दिए हैं। महिला का आरोप है कि व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर मेरे एटीएम से 87,000 रुपए निकाल लिए हैं। थाना प्रभारी मनोहर चौधरी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल यशपाल इस मामले की जांच कर रहे हैं। नूरपुर की कमनाला पंचायत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला डंगर का भवन गिरने की कगार पर है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने डंगर स्कूल का दौरा किया और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों व गांव वालों से मिले। महाजन ने कहा कि नूरपुर के मौजूदा विधायक जिले के नाम पर 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं पर स्कूल का कमरा क्यों नहीं बना पाए। विधायक लगभग 1.5 वर्ष पहले स्कूल में आए और स्कूल को 1 हफ्ते में गिराने का निर्देश दिया। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है और हर जगह यही कहते हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। महाजन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस स्कूल को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। सोलन में रविवार को सब्जी मंडी पुराने बस स्टैंड पर लगाई जाती है। इस मंडी को सोलन के किसानों के लिए बनाया गया था ताकि किसान अपनी फसल को सीधा बाजार में बेच सकें। इस मंडी से किसान भारी फायदा उठा रहे हैं। ग्राट का आटा और घर की शुद्ध लस्सी लोगों की पसंद बनती जा रही है। इसके अलावा गोभी टमाटर पालक भी वे सीधा मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस मंडी पर शहर के व्यापारी भी कब्जा जमाने लगे हैं। किसानों की मांग है कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे ताकि इस सब्जी मंडी में केवल किसान ही अपनी सब्जियां बेच सके। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासी गराट का आटा और लस्सी को बेहद पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव की ताजा सब्जियां इस मंडी में किसान बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इस मंडी को सप्ताह में 1 दिन नहीं बल्कि 2 या 3 दिन लगाने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए ताकि किसानों को इस मंडी का भरपूर फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में सफाई का भी कोई प्रबंध नहीं है, गंदगी फैली हुई है और कोई शौचालय तक नहीं है। सोलन के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में अध्यापक ने विद्यार्थी को पीट दिया जिसके चलते विद्यार्थी की बाजू टूट गई है। बच्चे के माँ बाप बेहद ही दुखी हैं और उन्होंने अध्यापक को सीख देने के उद्देश्य से सोलन पुलिस थाने में अध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने विद्यार्थी का मेडिकल करवाया है और अध्यापक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता माता कमलेश ने बताया कि उनके बेटे के साथ अध्यापक ने मारपीट की है जिसकी वजह से उसके बाजू की हड्डी तक टूट गई है। इसके लिए वह चाहते हैं कि अध्यापक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि भविष्य में जैसी घटना उनके बेटे के साथ घटी है वह किसी और के साथ ना हो। वही स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि घटना के दूसरे दिन उन्हें मालूम हुआ कि छात्र के बाजू में चोट लगी है। उन्होंने उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसके परिजनों को सूचित किया। तब उन्हें छात्र ने बताया कि उसे अध्यापक ने मारा है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि स्कूल के विद्यार्थियों को अध्यापक ने मारा है, जिसके कारण उसकी बाजू की हड्डी भी टूट गई है। फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में उचित कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी।